हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से डीवाई पाटिल ऑनलाइन एमबीए में या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम में किस तरीके से ईएमआई होता है और क्या उसका प्रोसेस है डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स का। तो सबसे पहले हम लोग उसके ईएमआई प्रोसेस के बारे में जानेंगे और फिर डिटेल में हम आप लोगों के साथ हर एक बैंक का डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्लस और भी क्या क्या चीज़ें हैं। बट उसके पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि उन्हें बुक्स नहीं मिलती हैं, उन्हें पीडीएफ्स नहीं मिलते हैं, उनके पास बुक्स नहीं है, वो कैसे पढ़ें, चाहे वो डीवाई पाटिल मुंबई में हो या फिर पुणे में हो, उनका बहुत डाउट रहता है इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक श्योरिटी देती हूँ कि मैं आप लोगों को बुक्स प्रोवाइड करूँगी, और बुक्स इन द सेंस इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। आप लोगों को मैं हर एक चैप्टर का पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लेना है एंड एट जस्ट ₹9 आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ। ओके, जो भी चैप्टर है, जो भी सेमेस्टर है, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बुक्स प्रोवाइड पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी चैप्टर वाइज। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना है एंड देन मैं वहाँ पे आप लोगों को वो पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो ईएमआई का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो सबसे पहले नंबर पे है एचडीएफसी बैंक, ये आपको पहला ईएमआई का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकेंड पे है एक्सिस बैंक, देन आता है आपका थर्ड नंबर पे आईडीएफसी बैंक, देन आता है आपका फोर्थ नंबर पे शरावत बैंक, देन आता है आपका फिफ्थ नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक एंड सिक्स नंबर पे आता है आईडीबीआई बैंक और जो लास्ट है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये सारे जो बैंक्स हैं ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं ऑन ईएमआई। तो एक एक करके इनके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। तो सबसे पहला है आपका एक्सिस बैंक, इसको समझते हैं कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड क्या क्या कितना अमाउंट मिल सकता है ये सारा कुछ। ओके, सो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट जो है वो इंडियन नेशनल होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू जो भी प्रोसेस है उसके एडमिशन का या सिलेक्शन का या फिर जो अगर एंट्रेंस टेस्ट होता है तो उसको वो पास कर लेना चाहिए। तो ये पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका। देन नेक्स्ट है कि कौन कौन से कोर्सेज में ईएमआई का फैसिलिटी मिलेगा, तो पीजीडीएम में मिलेगा और एमबीए प्रोग्राम में मिलेगा एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 7.7 to 5 lakh का अगर लोगे तो 11.25% रहेगा एंड अगर उससे ज़्यादा के लोगे तो 11.25% रहेगा, अगर उससे कम का लोगे 12.5% का रहेगा एंड देन लोन अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन है कि मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो 95% ऑफ द टोटल कॉस्ट ही देगा, बाकी का 5% आपको ऑलरेडी पे करना होगा एंड देन जो मार्जिन है वो आपका 5% मार्जिन ऑन लोन अबव 4 lakh के ऊपर अगर लेगा तो 5% का मार्जिन रहेगा। प्रोसेसिंग फ़ी कुछ भी नहीं है, प्री पेमेंट चार्ज कुछ भी नहीं है, प्री क्लोजर चार्ज कुछ भी नहीं है, रीपेमेंट है अगर इंटरेस्ट सर्विसिंग ड्यूरिंग कोर्स, यानी कि जो भी अपना कोर्स के ड्यूरेशन में आपका जो भी पैसा रहेगा वो अपना रीपे करते चले जाओ एंड देन बाकी की चीज़ें आई थिंक उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं तो वो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अगर आपको किसी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग मुझसे वो पूछ लेना, मैं कमेंट में आप लोग को मेंशन कर दूँगी। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने मेंशन कर दिया, बाकी की चीज़ें आप लोग देख लेना। ओके, एंड अगर आप लोग कोई डाउट भी हुआ तो आप लोग कॉल भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं आईडीएफसी बैंक के ऊपर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो एलिजिबिलिटी है वो बस इतना है कि आप एक इंडियन नेशनल होने चाहिए। कौन कौन से कोर्स पर ये ईएमआई प्रोवाइड करेगा, सारे पीजी कोर्सेज एंड सारे यूजी कोर्सेज पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसका होगा वो स्टार्ट हो जाएगा 10.5 ऑनवर्ड्स। देखिए यहाँ पे ऑनवर्ड्स मेंशन है, इसलिए ये मत समझना कि सिर्फ 10.5% ही है। मैक्सिमम लोन आप लोग एज़ पर एलिजिबिलिटी, अगर जितना भी एलिजिबिलिटी है आपका आप ले सकते हो। टेन्योर जो है वो आपका है अप टू 144 मंथ्स, आप आराम से उसको पे कर सकते हो। 144 मंथ्स का टेन्योर है। कॉस्ट जो है कॉस्ट कवर होगा आपका सारा, ट्यूशन कॉस्ट कवर कर लेगा वो एंड अगर आपको रहने का भी जो खर्चा है लिविंग एक्सपेंसेस वो भी कवर कर लेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस है 5000 प्लस जो भी टैक्सेस लगेंगे वो एंड देन कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है एंड देन कोई भी आपका को एप्लीकेंट सॉरी रीपेमेंट टाइप जो है वो है आपका ईएमआई, एसआई या पीएसआई, कैसे भी आप रीपे कर सकते हो।
देन को एप्लीकेंट रिक्वायर्ड है आपके वो, एंड देन इंश्योरेंस भी कवर होता है। टाइप ऑफ लोन जो है वो एक अनसिक्योर्ड लोन है, और अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंशन है, आप लोग उससे कॉल करके अपने जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट बैंक के ऊपर आ जाते हैं, इसमें मैंने दो बैंक्स के बारे में नहीं मेंशन किया बिकॉज उसका कोई डिटेल वैसा दिया हुआ नहीं था उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में। बट अगर आप लोगों को उसके बारे में भी चाहिए होगा इन्फॉर्मेशन तो आप बताना, मैं उसका पूरा PDF आप लोगों को सेंड कर दूँगी, और बाकी जो जितने मुझे मिले वो सारे मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट बैंक है शरावत बैंक, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो शरावत बैंक का जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है वो लोएस्ट है, ये ऐसे ही लोग क्लेम करते हैं। इनका कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ है इस डेट को आप लोग इग्नोर कर देना, वो टिल आपका वो जो है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग उस चीज़ को मार्क करना, ठीक है। देन कोई रीपेमेंट प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है, एंड कोई मोराटोरियम फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। देन ये लोग बताते हैं कि इनका जो 284 ब्रांचेज़ है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इनका शरावत बैंक जो है वो स्प्रेड किया हुआ है। तो अगर बैंक तब उन्हीं लोगों को एप्लीकेशन उन्हीं लोगों का एक्सेप्ट करेगा, उन्हीं बच्चों का जो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बैंक का प्रेजेंस है। अगर उस एरिया में बैंक नहीं है, बैंक का ब्रांच नहीं है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ओके। एंड देन जो एप्लीकेंट हैं उनका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, इनकम बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, तभी उन लोगों को लोन जो है वो मिलेगा। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आपके पास ये नंबर मेंशन्ड है यहाँ पे, आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हो एंड जो भी डाउट है सो क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं ICICI बैंक के ऊपर। इसकी बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट कोड है वो, यानी कि प्रोडक्ट कोड इन द सेंस कि ये जो EMI देंगे वो UG PG कोर्सेज के लिए भी देंगे। इनका जो इंस्टीट्यूशनल नेम है ये डॉक्टर DY पाटिल बिजनेस स्कूल को देंगे। कोर्स कौन कौन सा PGDM को भी दे सकते हैं, देते हैं एंड देन लोन अमाउंट जो है वो मिनिमम 1 लाख का होना चाहिए एंड मैक्सिमम 1 करोड़ का होना चाहिए। अनसिक्योर्ड लोन अमाउंट ये लोग 20 लाख तक का देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका सिक्योर्ड में 12.30% है और अनसिक्योर्ड में 12.55% है। देन इनका टाइप ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देन प्रोसेसिंग फी 1% प्लस GST है। मार्जिन 15% ऑफ मार्जिन है और लोन अमाउंट अबव 20 लाख, 20 लाख से ऊपर करेगा तो 15% का मार्जिन है। रिपेमेंट टाइप मोराटोरियम जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, EMI आप पे कर सकते हो। एंड देन प्रिंसिपल जो है वो कोर्स पीरियड प्लस 6 मंथ तक का आप कर सकते हो। देन आपका कोई प्री पेमेंट चार्ज नहीं है, कोई पार्ट पेमेंट चार्जेस नहीं है, कोई फोर क्लोजर चार्जेस नहीं है। तो अगर आप कोई डाउट है तो उसके लिए यहाँ पे नंबर मेंशन्ड है, वो आपको देख लेना है और आपको कॉल कर लेना है, ओके। नेक्स्ट बैंक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बैंक है आपका IDBI बैंक। सो IDBI बैंक का जो फीचर्स है वो उस पर आते हैं। सबसे पहले लोन अमाउंट जो है वो एज़ पर द एलिजिबिलिटी नॉर्म, अगर नॉर्म को आप फुलफ़िल करते हो तो आपका हो जाएगा लोन एक्सेप्ट। देन को एप्लीकेंट इसमें ज़रूरी है, या तो कोई लीगल गार्डियन होना चाहिए या फिर पेरेंट होने चाहिए। एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे डिटेल सीरियल नंबर B के अकॉर्डिंग वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट अगेन सीरियल नंबर C के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। एंड प्लस जो आप कॉलेज में कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। देन कोलैटरल सिक्योरिटी अगेन, अगर लोन अबव 7.50 लाख है देन आपका उसको भी लेता है, वो कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर भी लेता है। देन मार्जिन जो है वो 7.5 लाख तक हुआ होगा तो 10% है, और अगर 7.5 लाख से ज़्यादा होगा तो 5% ऑफ द टोटल कोर्स एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। जो भी आपको कोर्स का टोटल एक्सपेंस है उसका 5%। देन आप रीपे कर सकते हो, उसके लिए आपको मैक्सिमम 15 ईयर्स तक का टाइम मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन होता है। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लोटिंग है। एंड इसमें नंबर नहीं मेंशन्ड है, नेम मेंशन्ड है, अगर आप लोगों को नंबर भी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं कहीं ना कहीं से खोज के आप लोगों के लिए जुगाड़ कर ही दूंगी, ओके। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता है। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।